शिराजी साहब, उनके बाद ज़ाकिर आले बैत मुश्ताक हुसैन माशकी साहब, और उनके बाद सैयदुज़ाकिरीन जनाब सैयद इम्तियाज हुसैन शाह साहब, आप पहाड़पुर मेंबर पर तशरीफ़ फरमाएँ, खिताब फरमाएंगे। बावाज़े बुलंद सलावा। दरूद पढ़ो मोहम्मद अहले बैत के मोहम्मद इजाद थे। जितने भी बैठे हो बाजमात होके मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद इजाद के दरूद हदिया पेश करो। एक बारी अपनी उन्होंने मरहूमीन की बख्शिश वास्ते सारे सवाब वास्ते जड़े जहाने पानी तो परदा कर गए ने बुलंद आवाज के नाल सलवात करो। बगैर किसी तवालत तो अपनी नौकरी का आगाज करा, क्योंकि बहुत थोड़ा वक्त के दाम के वक्त गुंजाइश कोई नहीं। जिंदा तशरीफ लाए ऐ इजाजत माशाल्लाह खुदा खौला वला कुवता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बुलंद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाकिबातु लिल मुत्तकीन सोहनी सलवात। والنار للمؤمنين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على محمد المصطفى سيد المرسلين بالقاسم محمد पढ़दा प्या अख बंद ना कर कुरान सुना करा मैं बाजार अबूरे तुम ही जान दाई आज सिर नंगे मेडी हर ताहिर मस्तूर बीबिया दिए बीमार मला हाई रत रोंदा ते हासुनाल यतीमी पूरे रश वध गया हाई बाजार दे विच वो हुण आउन दी मां मजबूर भेण दी सुनिए गल करी मैं करबला कोई जवाब तां दित्ता हो सी ना मेरे आका फरमाया लिया भेण इक तेरी मंदा इक ते तेरे वीर दा बस कोई नहीं लगदा मेरा वीर केड़ी मंदा है कहंदे ते बस कोई नहीं लगदा सैयद आदा अख नहीं खुलदी कुरआन सुनदा तैकू मैं बाजार विचाले अख खोला ते मैकू नजर आंदे तेडे सर दे खुले होए वाल सैयद आदा बाजार च खुतबा पढ़ सुनवा मेडी भेंड सखी लज पाले दस शामिया को मैं बागी नहीं मैं हाँ जहरा दा लाल साहिल सरोजी
बुजुर्ग सहाबी रसूल एक जदो मुसाइब की गल करनी में उस तो बाद एक जदो मिट पाए। बुजुर्ग सहाबी रसूल साहिब शेरुज़ी इसका नाम है, यह रवायत करता है, अरे शाम के बाजार में दाखिल क्यों होगा, अरे अजीब मंजर वेखे शाम का, शरीयत का मजाक उड़ावना शाम के पहला ही मामूल आ, मगर अज में शरीयत की पाईमाली का वेखदा हूँ मैं हैरान हूँ परेशान हूँ। अरे कहीं सफर तो वापस पे आंदा शाम च दाखिल पे आंदा वेखदा क्या पिया कि हर कोई शामी जरक बरक लिबास पा के खुशबू ते अतर दे नाल अपने आप नूं मुअत्तर करके शाम दे सदर बाजार दे पासे पै जांदे। अरे लोगों का यह हजूम वेख के ये मुसरत वेख के मैं परेशान हाँ इस वजह तू कि मुसलमान होवन दे नाते तमाम मजहबी त्यौहार यानी ईद शबे बारात ऐसे तमाम मौकों तो मैं भी वाकिफ हाँ, ऐसा मौका भी कोई नहीं, अल्लाह जाने मुसलमान क्यों इतने खुश पे होंगे। अरे चंद कदम की मुसाफत की वेख्या क्या है कयामत का मंजर है, लखां की तादाद विच लोग इकट्ठे, औरत मर्द दो तरफा कितारा बना के खड़े, दरम्यान चलौनियां रक्ष पियां कर दियां, शराबी बैठे शराब पे पींदे, नकाल नकलां पे कर दें, ढोलाले ढोल पे बजेंदे, तबलाले तबल पे बजेंदे। अरे मगर मेरी परेशानी उस वक्त मजीद हुई है जिस वक्त शाम दिया मकाना दिया छतां ते मेरी नज़र पई है। अरे वेख्या क्या है शाम दिया बेहया औरतां मकाना दिया छतां ते चढ़ के दफ दिलाए दे नाल गीत पईयां गांदियां ने, फतह दे नगमे पईयां गांदियां ने। अरे जदा इन्हां बेहया औरतां ते मेरी नज़र पई है ना हुण मैनूं पक हो गया खैर कोई नहीं। अरे रसूल अल्लाह तो लै के हसने मुजतबा तक मुसलमाना की तारीख तो मैं वाकिफ हाँ, जदा ही शामी मर्दो जन इतफाक दे नाल इतने खुश होए ने जरूर रसूल दा घर बर्बाद कीता ने। अदे यही गल बनी है मैं दो या चार कदम अगे टुरिया तां वेख्या क्या है खिलाफ माहौल खिलाफ तवक्को एक सफेद रीश बुजुर्ग दीवार दे नाल मत्था ला के जारो कतार पे रोंदा है। अदे उसका रोना मेरे दिल नूं नागवार गुजरे, उसके करीब जाके मैं आखे बंदे खुदा शाम दा हर शख्स पूछे तेरे रोमन दी वजह क्यों क्या है, तू इकला क्यों प्यार होंदा है। खिलाफ तवक्को खिलाफ माहौल हर कोई नचदा पे ढोलां दे तबलां दे नाल, तू खड़ा इकला पैजारों कतार प्यार होंदा है, तेरा क्या नुकसान होए। अदे मैं इतनी गल करनी आई या उस ज़हीर दीवार दे नाल टक्कर मारीए पेशानी च खून जारी होए ते मेरे पासे वेख क्या दे अल्लाह जाने आसमान डठा क्यों नहीं, अल्लाह जाने जमीन गरक क्यों नहीं पीथींदी, हुसैन नु मार के कमीने जशन पे मने देन। अदे लफ्ज़े हुसैन सुने घोल पै गए पहला ही मेरे दिल च फिक्र आई, मगर फौरन किवें मन जा पुत्र रसूल दा मारा गया है, अपनी तसल्ली दे वास्ते इस दे करीब हो के आख्या कौन हुसैन, कहिंदा पुत्र हुसैन। अदे मैं इतनी गल की ज़ईफ दी कूक बुलंद होइए उच्चा रो के अदे अली सरदार दा पुत्र हुसैन। अदे अजाई मैं अपनी तसल्ली दे वास्ते इस दे होर करीब होया इस दे कन दे नजदीक मुंह करके बड़े अदब दे नाल मैं पूछे हुसैन दी मां दा नां की है। अदे मैं इतनी गल पूछी है ज़ईफ मुंह ते मातम करना शुरू कीता है, मुंह ते मातम करके अदे रो रो के अदे नाम ना पूछ ए माहौल नहीं ओ नाम पाके, बस इतनी गल दस सकदा रसूल दी धी दे पुत्र कुम्मत बलाउन ने मार छोड़िया है। अरे गल सुनिए मैं मुंह ते मातम करना शुरू कीता है हत्ता के मेरे रुखसारा विचों खून जारी हो गया है। अरे या ऐलान सुनिया है ओ आ गए ने बागी, ओ आ गईया ने बागी दिया भेणा, अरे मर जावा है मंजर ना वेखा कयामत दा मंजर है, सांगा गुजरनिया शुरू हुई, अरे ज़ियारतां करनिया शुरू कीतियां, सब तो पहले
करीमे करबला दे सर दी ज़ियारत कीती है, अब्बास जलालिया वाले दे सर दी ज़ियारत कीती है, शबीए पैगंबर दे सर दी ज़ियारत कीती है, अदे सर गुजरदे रहे मैं ज़ियारतां करदा रहा। हुण मैं आखदा मुसाइब दा जुमला वेखदा केड़ा बेदार है केड़ा बेनियाज बैठा है, अदे इक सर ते मेरी नजर पई है, त्रै वारी बैठा ते वारी उठा दे वेख्या क्या है सर छोटा है, सांग दा फल वड्डा है, अदे हुण पक हो गया है पुत्र रसूल दा मारा गया है। मगर बड़ी तकलीफ दिल नु इस गल दी होई है, कुरान नु शहीद करके उमतियां कुरान दी आयतां नु शहर बशहर फिराना शुरू कीता है। अगला ऐलान सुन, तू पहला मर क्यों गया, ऐलान करन वाला ऐलान पै करदा है, आ गईयां ने बागी दियां भेणा, अदे अली दियां धीयां शाम दे सदर दरवाजे दे अंदरों निकल के चंद कदम दी मुसाफत अल्लाह जाने कीती किवें, उस जात आईयां जिथे इमाम पुत्र हालत रकू दे विच सबू हुन कदूस हुन दी तस्बीह प्या करदा है, सज्जाद पुत्र दे मोढ़े नू हिला के बीबी आ दी है, किवें लंघ सां मैं ई भीड़ विचों ते मैकू आबिद लाल डसा तू, बीबी आ दी है मैं परदादार हां चन बचड़ा, पहले ए मखलूक हटा।